बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे सवाल नंबर 5। मुख्तसर कीजिए। मश नंबर 6 शरिया 1, सफा नंबर 141। इसका पहला जुज है 3 का जजर, जरर 7 का जजर। इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला यह है कि अगर 2 डिजिट्स, जो 2 अदद हैं, उनके ऊपर अगर जजर हो, ए के ऊपर जजर है और बी के ऊपर जजर है, तो दोनों पर जजर है वो जरब हो रहे हैं, ठीक है, जरब खा रहे हैं, तो दोनों को हम इकट्ठे उनको जरब दे के एक जजर उनके ऊपर काट सकते हैं। ये हो जाएगा ए बी जजर। यहाँ पे कैसे होगा, इसके ऊपर भी जजर है, इसके ऊपर भी जजर है, ये जरब हो रही है, ठीक है, इस पर भी जजर है, इस पर भी जजर है, क्योंकि दोनों पर जजर है, जजर इकट्ठे कर देंगे और ये आपस में हो जाएंगे जरब। वही फार्मूला कुलिया में यहाँ पे लगाया, 3 7 21 जरब दे दी। ये इसका है जवाब, आसान सा था। 2 जो डिजिट्स हैं, जो 2 अदद हैं 3 और 7, उनके ऊपर जजर है और वो जरब खा रहे हैं आपस में, क्योंकि दोनों पे जजर है और जरब खा रहे हैं, तो हम दोनों को एक जजर में काट देंगे और दोनों को जरब दे देंगे। तो इस तरह से 3 7 21 का जजर, ये आ गया हमारा जवाब। ये था पहला जुज। दूसरा जुज ये है 4, इसका 5वें दर्जे का जजर है, जरर 128, इसका भी 5वें दर्जे का जजर है। ये भी उसी तरह से है, क्योंकि इस पे भी एक ही तरह का जजर है और इसके भी दोनों के जजर एक तरह के हैं, दोनों हिंसों के, ये 4 है, ये 128 है, दोनों हिंसों के जजर एक जैसे हैं, ये आपस में जरब खा रहे हैं, तो इनको एक जजर में काट देंगे, ये वाला जजर एक दफा लिख देंगे और 4 जरब 128 इनको आपस में जरब दे देंगे। इसको जरब देते हैं, 4 8 32, 3 9 512 आ गया, इनको जरब दिया तो, और इधर हमने लिख लिया ये बाहर 5। तो ये भी आसान है, इसी तरह से है ये कुलिया, पे हमने फार्मूला इस्तेमाल किया, 4 का जजर है 5वें दर्जे का और 128 का जजर है 5वें दर्जे का, ठीक है, दोनों पर चूंकि एक ही जैसे जजर है और ये जरब खा रहे हैं, तो इन दोनों को हमने जरब कर दिया और एक ही जजर में इसको लिख दिया। 128 को 4 से जरब दिया तो 512 आ गया और ये ऐसे का ऐसे आ गया। तो यह इसका जवाब। ये भी आसान था, एक ही वही सेम कुलिया जो है इस पर भी हमने इस्तेमाल किया। अभी हम देखते हैं इससे अगला जुज, जो कि जुज नंबर 3। जुज नंबर 3 में है 81, इसका 5वें दर्जे का जजर और जरब 27 का 5वें दर्जे का जजर। यही फार्मूला, यही कुलिया यहाँ पे इस्तेमाल होना है, दोनों पे एक जैसा ही जजर है 5वें दर्जे का और दोनों जरब हो रहे हैं आपस में, तो इनको एक जजर में लिख के कर देंगे 81 × 27। 81 को 27 से जरब देते हैं, 2 1 8 6 और ये आ जाएगा 5वें दर्जे का जजर। 6 1 का 5वें सवाल और उसका तीसरा पार्ट, यही इसका जवाब है। तो ये हमें गलत आ दिया, यहाँ पे 7 आ रहा था, 7 जमा 0 7 आता है, तो ये इसको करेंगे हम 7। ये आसान है, यही फार्मूला, यही कुलिया इस्तेमाल होना है। इस पर 81 पे 5वें दर्जे का जजर है और 27 पे भी 5वें दर्जे का जजर है, वापस में जरब खा रहे हैं, ठीक है। जब एक जैसा जजर होता है, एक जैसा जजर और वो जरब खा रहे होते हैं, तो हम उसको एक ही जजर में लिख देते हैं, ठीक है, उनको आपस में जरब दे देते हैं। 81 को 27 से जरब दिया तो 2 1 8 7 2 1 87 आ गया 87 और 5वें दर्जे का जजर। यह हमारा जवाब तीसरे जुज का। अभी हम बढ़ते हैं चौथे जुज की तरफ।
उसमें देखते हैं कि क्या है हमारे लिए। चौथा जुज जो है इसमें है दो का जजर, इसमें हम छोटे छोटे जो है वो हमने कुलिये इस्तेमाल करने हैं, आसान सा है, बस कुलिये सीखने की और याद करने की जरूरत है। दो का जजर, तकसीम 32 और इसके ऊपर है